हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी को सोलन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सोलन की सब्जी मंडी में गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने किसानों और आढ़तियों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं को हल करने का भरोसा भी दिलवाया। उन्होंने इस मौके पर सब्जी मंडी का निरीक्षण किया तो वहां मंडी की दुर्दशा देखकर बेहद आहत दिखे और उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास ली और सोलन की मंडी को सुधारने का आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। एपीएमसी के अध्यक्ष बलदेव भंडारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2012 में सोलन की सब्जी मंडी का निर्माण हुआ है, तब से लेकर अब तक मंडी के रखरखाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आढ़तियों और यहां आने वाले किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जल्द से जल्द यहां मरम्मत करवाई जाए, साथ ही किसानों और उपभोक्ताओं की बढ़ती खाई को भी दूर करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसानों का किसी भी स्तर पर शोषण ना हो, इसके प्रयास किए जाएंगे और जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें दी है वे उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने मुझे किसानों से संबंधी ये जिम्मेदारी दी है। मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे किसानों को जो खेत में पसीना बहाता है, जो दिन रात मेहनत करता है और अपना सब्जी फल फसलें पैदा करता है, उसको उसका उचित दाम मिले, क्योंकि जो अभी जो गैप है, जो दूरी है पैदा करने वाले में और उपभोक्ता में, उस दूरी को कम करने का प्रयास करूँगा। इसीलिए ई नेम के नाम से जो हमारा सिस्टम किया है, हो सकता है अभी वो जो मकसद उसका है अभी पूरा नहीं हो रहा हो, लेकिन आने वाले समय में अवश्य हम इस मकसद को ई नेम को पूरा करेंगे। हाँ, मंडी में मैं मानता हूँ कि मंडी में 2002 में इसका उद्घाटन हुआ था, जब से शुरू की, लेकिन इसमें उसके बाद बहुत ही कम मरम्मत का कार्य किया गया है, हालत खराब है। मैं जल्दी इसके बारे में इसका मैंने अपना जो हमारा स्टाफ है उसको आदेश दे दिए कि इसका एस्टीमेट प्राकलन इसके तैयार किए गए हैं और जितना भी पैसा इसके लिए खर्च होना होगा हम करेंगे, साथ में किसानों के लिए अगर यहाँ रहने का किसान जो हमारे उनको सुविधा दी जाती है अगर कम होगी उसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा कि उसके लिए और यहाँ पर ठहरने की उनकी सुविधा दी जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा।